देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म कॉलेज का प्रेरणास्पद निर्णय। अब सप्ताह में 2 दिन होगा ग्रीन कैंपस। बुधवार और गुरुवार को बाइक और कार को नहीं मिलेगा प्रवेश, साइकिल या पैदल आने वाले को ही मिलेगी कैंपस में अनुमति। ट्रैफिक नियंत्रण की दिशा में कारगर कदम। विद्यार्थी भी उत्साह के साथ सहयोग को तैयार। सभी शिक्षा संस्थानों के लिए बनेगा अनुकरणीय उदाहरण। ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस के लिए सभी ने पौधे लगाए हैं, सभी पौधारोपण करते हैं, लेकिन हमने इसमें एक और इनिशिएटिव लिया है कि अगले सप्ताह से बुधवार और गुरुवार को हमने ये अनिवार्य किया है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कर्मचारी और कोई भी शिक्षक गाड़ी से नहीं आएगा, वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे या साइकिल से आएंगे। और इसके लिए हम सख्ती कर रहे हैं कि हमारे कैंपस का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का गेट है वो हम बंद कर देंगे, उसमें सिर्फ पैदल आया जा सकता है या फिर साइकिल द्वारा आया जा सकता है। किसी भी वाहन की जिम्मेदारी और वाहन का पार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, और ये बुधवार और गुरुवार को हम अनिवार्य तक कर रहे हैं। अगले ये विश्वविद्यालय के हमारे विभाग का ये निर्णय है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अगर हम इतनी पहल करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। तो एक दिन अगर हम अपने वाहन से नहीं आएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे तो हो सकता है कि हमारी ये पहल आगे जाए और बड़ी हो जाए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पहल हमारी और पूरे इंदौर के हर नागरिक तक जाए, हर विद्यार्थी हर कर्मचारी इसको फॉलो करे और इस आधार पर हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। अच्छा है ये एनवायरनमेंट के लिए, और मतलब पॉल्यूशन वगैरह सब कम होगा, और पैदल चलना भी चाहिए, मतलब बिना गाड़ी के कोई आजकल आता नहीं है। रूल्स बना सकते हैं, अब रूल्स फॉलो करना सब उन्हीं के हाथ में है, मतलब जो खुद अवेयर हैं, जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं वो ये नहीं करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, जो नहीं हैं उनका अपन कुछ मतलब कुछ कर नहीं सकते।